Hello everyone. In this video, I'm going to cover session 2, performing basic file operations of unit 3, information and communication technology skills of employability skills. And this video will be in Hindi. So first topic here is basic file operations. तो यहाँ पे सबसे पहले basic file operations में files और folders के बारे में brief में बताया गया है. तो यहाँ पे सबसे पहले एक example दिया गया है कि जैसे school में teachers को cabinets मिलते हैं और cabinet में shelves होते हैं और वो shelves में टीचर्स फाइल्स को रखते हैं और एक पर्टिकुलर शेल्फ में एक पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट्स की जो भी फाइल होती है वो मेंटेन करते हैं. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फिगर 3.13 में एक कैबिनेट है और इस कैबिनेट में दो शेल्फ हैं. सो इसमें हर एक शेल्फ में एक पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट्स की टीचर फाइल को स्टोर कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं. इसी तरीके से कंप्यूटर में भी शेल्फ्स की जगह पे फोल्डर होते हैं और फोल्डर में डेटा को फाइल्स के तरह से सेव किया जाता है. तो कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर करना होता है वो डेटा फाइल्स में स्टोर किया जाता है और इन फाइल्स को सिस्टमेटिकली अरेंज किया जाता है फोल्डर्स में. और इनको एक्चुअल में कंप्यूटर्स के केस में इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स बोलते हैं. तो हमारे कंप्यूटर में जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं वो हम इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स के तरीके से स्टोर करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को हम जो डेटा वो इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स कंटेन कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग से डिफरेंट फोल्डर्स में स्टोर कर. अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स के बहुत सारे एडवांटेजेस और बेनिफिट्स हैं. जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को हम इजिली कॉपी कर सकते हैं. इजिली कॉपी करने का मतलब है कि सपोज एक फाइल को जो कि हमारे कंप्यूटर में उसको किसी और ने भी मांगा है, किसी और को भी उसकी जरूरत है, तो उसकी हम कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, वो हम दूसरे पर्सन को भेज सकते हैं. तो इस तरीके से उस फाइल की कॉपी हमारे कंप्यूटर में रहेगी और सेकंड जिसको भी रिक्वायरमेंट है उसको दे सकते हैं. तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स की इजिली कॉपी क्रिएट कर सकते हैं. सेकंड वन, इनको हम इजिली मूव कर सकते हैं. मतलब कि अगर कोई भी फाइल एक ड्राइव में अवेलेबल है, उस फाइल को हम दूसरे ड्राइव में सेव करना चाहते हैं तो हम इजीली उसको मूव कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, या फिर कंप्यूटर से अगर हम इसको पेन ड्राइव में ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव एक्सटर्नल जो है उसमें ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इजीली हम ट्रांसफर कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को हम इजीली मूव कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन. थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को हम इजीली रीनेम भी कर सकते हैं. रीनेम मतलब कि उनका नाम हम इजीली चेंज कर सकते हैं. और फोर्थ है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को इजीली डिलीट कर सकते हैं. अगर कोई भी फाइल हमारे यूज में अगर फ्यूचर में नहीं है तो हम उसको इजीली कंप्यूटर से डिलीट कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं हमारी जो ऑर्डिनरी फाइल जो होती है उसके कंपैरिजन में. अब इसके बाद नेक्स्ट है फाइल्स एंड फोल्डर्स. तो सबसे पहले यहाँ पे फाइल्स, तो फाइल्स क्या होती हैं? तो हमारे कंप्यूटर में जो भी डेटा हमें स्टोर करना होता है वो एक्चुअल में हम फाइल्स में स्टोर करते हैं. तो जैसे कि सपोज हमें एक क्लास के सारे बच्चों के नाम, फिर उसके बाद उनके किसी टेस्ट के सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स और परसेंटेज और उनकी पोजीशन और एवरेज सभी को अगर स्टोर करना है तो उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और ओपन ऑफिस कैल्क सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं और वहाँ पे हम स्टूडेंट्स की सारी डिटेल्स को एंटर कर सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और जो भी हमें रिजल्ट चाहिए वो हम इजीली अचीव कर सकते हैं. तो कंप्यूटर में जो भी हम डेटा या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करना चाहते हैं एक्चुअल में वो डेटा और इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर में फाइल्स में स्टोर करते हैं. और हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी डिफरेंट टाइप की फाइल्स होती हैं. जैसे कि कोई फाइल में टेक्स्ट अवेलेबल होता है तो उसको हम टेक्स्ट फाइल बोलते हैं. किसी फाइल में इमेज होती है तो वो इमेज फाइल रहती है. हमारे किसी फाइल में ऑडियो होता है तो वो हमारी ऑडियो फाइल है. किसी फाइल में हमारे वीडियो रहता है तो वो हमारी वीडियो फाइल हो जाता है. कोई एनिमेशंस फाइल भी होती है. तो हमारे कंप्यूटर बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स अवेलेबल है और ये फाइल्स जो डेटा स्टोर कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग रहती है. अब हर एक फाइल का उनको आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल का नाम होता है और उसके बाद फाइल का एक्सटेंशन होता है. फाइल का नाम हम देते हैं जब भी हम किसी नई फाइल को क्रिएट करके उसको सेव करते हैं, लेकिन फाइल का जो एक्सटेंशन है वो ऑटोमेटिकली मिलता है और ये एक्सटेंशन होता है जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे होते हैं उस फाइल को क्रिएट करने के लिए उसके अकॉर्डिंग. जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं एक डॉक्यूमेंट को या फिर एक फाइल को क्रिएट करके सेव करने के लिए, तो उस फाइल का नेम हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं लेकिन उसका एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली .docx हो जाएगा. अगर सपोज हम MS Paint सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं और एक फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं तो उस फाइल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं लेकिन उसका एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली .png हो जाएगा. अगर सपोज हम MS Excel सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं और उसकी हेल्प से हम एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो उस फाइल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं लेकिन उसका एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली .xlsx हो जाएगा. तो फाइल जब भी हम क्रिएट करते हैं तो उस फाइल को हम जब सेव कर रहे होते हैं तो अपने अकॉर्डिंग या फिर जो डेटा वो फाइल कंटेन किए हुए है उसके अकॉर्डिंग हम उसका नाम दे सकते हैं, लेकिन जो एक्सटेंशन है वो ऑटोमेटिकली जिस सॉफ्टवेयर का यूज करके हम उस फाइल को क्रिएट कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सटेंशन मिल जाता है. अब ये जो फाइल का नाम और जो एक्सटेंशन है ये दोनों डॉट से सेपरेट होते हैं. तो किसी भी फाइल का सबसे पहले उस फाइल का नाम आता है,
फिर डॉट और उसके बाद उस फाइल का एक्सटेंशन। अब जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि जब भी हम नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर का यूज करते हैं फाइल को क्रिएट करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली उस फाइल को जो एक्सटेंशन है वो .txt रहता है। उस फाइल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, लेकिन उस फाइल का हमेशा जो एक्सटेंशन है जो कि हम नोटपैड का यूज करके क्रिएट की है उसका एक्सटेंशन .txt रहता है। इसी तरीके से बहुत सारे एक्सटेंशंस पॉसिबल है, जैसे कि यहाँ पे .doc दे रखा है, तो .doc और .docx ये एक्सटेंशंस हमेशा हमें मिलते हैं जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर का यूज करके फाइल को सेव करते हैं। सेकेंड .xls या फिर .xlsx ये एक्सटेंशन हमें उन फाइल्स के लिए मिलता है जो कि हम क्रिएट करके सेव करते हैं एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर का यूज करके। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट एक्सटेंशंस पॉसिबल है। इसके बाद जब भी हम इमेज फाइल की बात करते हैं तो वहाँ पर जनरली हमें एक्सटेंशन मिलता है .jpg। jpg का फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। दूसरा एक्सटेंशन भी पॉसिबल है jpeg, png एक्सटेंशन भी पॉसिबल है। तो इमेजेस फाइल्स के जनरली हमें ये एक्सटेंशन मिलते हैं .jpg, jpeg और png। इसके बाद जब भी हम ऑडियो फाइल की बात करते हैं तो जनरली हमें एक्सटेंशन .mp3 मिलता है, .wav भी पॉसिबल, और बहुत सारे एक्सटेंशन पॉसिबल है। तो ये सारे एक्सटेंशन पॉसिबल है डिफरेंट फाइल्स के। अब इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे फोल्डर। तो एक्चुअली हमारे पास जब दो या दो से ज्यादा फाइल्स होती हैं और ये दो या दो से ज्यादा फाइल्स अगर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जब भी स्टोर करती हैं तो इनको हम एक स्पेसिफिक जगह पे स्टोर करते हैं या फिर सेव करते हैं, और उसके लिए हम वहाँ पे फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो फोल्डर एक्चुअली एक वो जगह होती है हमारे कंप्यूटर हार्ड डिस्क ड्राइव में जहाँ पे हम सब फोल्डर्स क्रिएट करते हैं या फिर जहाँ पे हम अपनी फाइल्स को सेव करते हैं या फिर स्टोर करते हैं। तो फोल्डर सिंपली एक वो लोकेशन है जहाँ पे हम अपनी फाइल्स को सिस्टमेटिकली स्टोर करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग अ फाइल यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर इन उबंटू। तो यहाँ पे उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम ये कंसीडर कर रहे हैं और उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट एडिटर का यूज करके यहाँ पे एक फाइल को क्रिएट किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि नेहा एक स्टूडेंट है जिसने क्लास को ज्वाइन किया है और टीचर उसकी सारी इंफॉर्मेशन को एक फाइल में रिकॉर्ड करना चाहती है, जैसे कि उसका नाम, एड्रेस, फोन नंबर और अदर डिटेल्स। तो इसके लिए यहाँ पे उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में टीचर टेक्स्ट एडिटर का यूज करने जा रहे हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट एडिटर का यूज कैसे कर सकते हैं डिटेल्स को स्टोर करने के लिए, तो वो यहाँ पे आप पॉइंट्स में मेंशन किया गया। तो सबसे पहले जैसे कि फिगर 3.14 में देख सकते हैं कि हमारे पास एक सर्च बॉक्स है सबसे टॉप पर, और इस सर्च बॉक्स में एडिटर टाइप किया गया। तो जैसे हम एडिटर टाइप करेंगे तो हमें टेक्स्ट एडिटर का यहाँ पे आइकन मिल जाएगा। तो जैसे हमें टेक्स्ट एडिटर का आइकन मिलता है तो इसको हमें डबल क्लिक करना, और जैसे हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट एडिटर की विंडो ओपन हो जाएगी, और उसके बाद हम जो भी डेटा स्टोर करना चाहते हैं वो हमें टाइप करना है, और टाइप करने के बाद हमें सेव पे क्लिक करना है इस फाइल को सेव करने के। और जब हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेव एज विंडो ओपन हो जाएगी, और सेव एज विंडो में सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा लोकेशन जहाँ पे हम अपनी फाइल को स्टोर करना चाहते हैं, और उसके बाद हमें उस फाइल का नाम देना है और फिर हमें सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में हम टेक्स्ट एडिटर का यूज कर सकते हैं बेसिक टेक्स्ट डिटेल्स को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए। अगर सपोज हमें सेम पर्पस अचीव करना है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है नोटपैड। तो जैसे उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट एडिटर का फंक्शन है, वैसे ही विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में नोटपैड का फंक्शन है। इसकी हेल्प से भी हम टेक्स्ट फाइल्स को क्रिएट करके कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में या फिर किसी भी कंप्यूटर में, तो सबसे पहले हमें लोकेशन सेलेक्ट करनी पड़ती है जहाँ पे हम फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं। तो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना पड़ेगा, और फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए हमें फाइल्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें फाइल्स ऑप्शन पर क्लिक करना, और जैसे हम फाइल्स ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। और एक्चुअली फाइल एक्सप्लोरर फिगर 3.18 में देख सकते हैं हमारे हार्ड डिस्क ड्राइव के कंप्लीट डिटेल्स को मेंटेन करता है, मतलब कि हमारे हार्ड डिस्क ड्राइव में कौन से पार्टीशंस है और हर एक पार्टीशन में कौन कौन से फोल्डर्स या सब फोल्डर्स और किसी पर्टिकुलर फोल्डर में कौन कौन सी फाइल्स अवेलेबल है, ये सारी डिटेल्स फाइल एक्सप्लोरर मेंटेन करता है। तो फाइल्स पर क्लिक करने के बाद हमें फाइल एक्सप्लोरर मिलेगा, और फाइल एक्सप्लोरर में सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है लोकेशन जहाँ पे हम फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं। तो
तो जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल में फिगर 3.19 में देख सकते हैं कि डेस्कटॉप लोकेशन को सिलेक्ट किया गया फाइल एक्सप्लोरर में, और डेस्कटॉप लोकेशन को फाइल एक्सप्लोरर में सिलेक्ट करने के बाद राइट साइड में डेस्कटॉप पर जो भी फोल्डर्स या फाइल्स अवेलेबल है वो हमें राइट साइड में मिल रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि हम डेस्कटॉप पर फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें इस व्हाइट एरिया में राइट क्लिक करना है माउस का, और जैसे हम माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं तो हमें ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू मिलती है। और इस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में सबसे पहला ऑप्शन फिगर 3.19 में देख सकते हैं न्यू फोल्डर। जैसे हम न्यू फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो फिगर 3.20 में देख सकते हैं हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद हम उस फोल्डर का नाम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है फोल्डर नेम डेमो दिया जा रहा है, और उसके बाद हमें रीनेम पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम में हम फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन में। तो उसके लिए सबसे पहले हमें फाइल एक्सप्लोरर को एक्सेस करना है। फाइल एक्सप्लोरर को एक्सेस करने के बाद हमें लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे हम फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद हमें राइट क्लिक करना है, फिर वहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में न्यू फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा, और उस पर न्यू फोल्डर पर क्लिक करने के बाद हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। फिर हमें उसका रीनेम करना है अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हमारा फोल्डर Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम में एक पर्टिकुलर लोकेशन में क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे सेशन 2 यूनिट 3 इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स का एंड हो रहा है, और यहाँ पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इनको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज टू पेस्ट अ फाइल। तो हमें जब भी किसी भी फाइल को पेस्ट करना है तो उसके लिए हमें कौन सा शॉर्टकट की का यूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे Ctrl+C, Ctrl+C शॉर्टकट की का हम यूज करते हैं कॉपी ऑपरेशन के लिए। सेकेंड यहाँ पे Ctrl+P, Ctrl+P शॉर्टकट की का हम यूज करते हैं प्रिंट के लिए। Ctrl+V ये शॉर्टकट की का हम यूज करते हैं पेस्ट के लिए, और Ctrl+X शॉर्टकट की का हम यूज करते हैं कट ऑपरेशन के लिए। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें पेस्ट ऑपरेशन के लिए शॉर्टकट की बताना है, तो आंसर है यहाँ पे Ctrl+C Ctrl+V। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फाइल एक्सटेंशन फॉर नोटपैड फाइल। तो नोटपैड फाइल जब भी हम क्रिएट करते हैं तो उसको ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन क्या होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट है .jpg, तो jpg जो एक्सटेंशन है वो हमेशा इमेज फाइल के लिए रहता है। सेकेंड है .doc, तो .doc एक्सटेंशन हमेशा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल्स का रहता है। .text किसी भी फाइल का एक्सटेंशन नहीं होता है। और फोर्थ है .txt, तो नोटपैड की जो फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन .txt होता है। तो द करेक्ट आंसर ऑफ द सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज .txt। थर्ड वन, व्हाट कीज डू यू यूज टू कॉपी समथिंग। तो कॉपी ऑपरेशन जब भी हमें परफॉर्म करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की हमें क्या यूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे Ctrl+X, तो ये कट ऑपरेशन के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। सेकेंड है Ctrl+C, तो Ctrl+C शॉर्टकट की कॉपी ऑपरेशन के लिए रहती है। थर्ड है Ctrl+Z, ये अंडू ऑपरेशन के लिए रहता है। और फोर्थ है Ctrl+Y, रीडू ऑपरेशन के लिए। तो यहाँ पे कॉपी ऑपरेशन के लिए जो शॉर्टकट की है वो हम यूज करते हैं Ctrl+C। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑफ दिस थर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा सेकंड सेशन एंड हो रहा है, और सेशन 3 ICT इसके चैप्टर का मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो अब मैं इस वीडियो